हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू टेकर। सो गाइस आज जो हम एडिटिंग करेंगे कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो गाइस ये फोटो मैं रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने शायद देख लिया होगा। अगर नहीं फॉलो करते हो तो जाओ जाके फॉलो करो, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा, तो जाओ जाके जरूर से फॉलो करना। और मैं हफ्ते में 2 या फिर 3 नए नए कॉन्सेप्ट का या फिर रिटचिंग का फोटो अपडेट करते रहता हूँ, तो आई थिंक आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो जरूर से मुझे फॉलो करना। और गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप मैनुअली जो है विंटेज ब्राउन टोन वाला इफेक्ट आपकी फोटो के ऊपर कैसे डाल सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर है वो कहते हैं कि यार आप मैनुअली भी एडिट करके दिखाओ। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए आज मैनुअली भी एडिटिंग करूंगा, और साथ ही साथ जो प्रीसेट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। और जो लाइटरूम प्रीमियम वर्जन है उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और गाइज आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाले। तो चलो यार वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैंने जो लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर जाएंगे ऑल फोटोज़ में, और यहाँ से तीनों फोटो है, तो यहाँ पर एक फोटो को हमने यहाँ पर चूज कर लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हम एडिट करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे लाइट के ऊपर। लाइट के ऊपर जाने के बाद जो एक्सपोजर है इसको हम कर देंगे +20, उसके बाद इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हम कर देंगे -57, और इसका जो हाईलाइट है इसको हम कर देंगे -100, और जो डीएज है इसको हम कर देंगे +10, और इसका जो व्हाइट बैलेंस है इसको हम कर देंगे +4, और जो ब्लैक है इसको हम कर देंगे -36। तो उसके बाद हम जाएंगे कर्व के ऊपर, और यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक नीचे और एक ऊपर। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कर देंगे डन, और इसको रिमूव कर देंगे, और जाएंगे हम जाएंगे सीधा प्रोफाइल के ऊपर, और जो आर्टिस्टिक टू वाला प्रोफाइल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कर देंगे डन, उसके बाद हम जाएंगे सीधा कलर के ऊपर। कलर के ऊपर जाने के बाद जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको हम कर देंगे +8, और जो टिंट है इसको हम कर देंगे -6, और जो वाइब्रेंस है इसको हम कर देंगे +28, ठीक है। और जो सैचुरेशन है इसको हम कर देंगे -12। उसके बाद हम जाएंगे सीधा मिक्स के ऊपर, और जो पहले नंबर का कलर है उसका जो ह्यू है उसको हम कर देंगे +12, और जो सैचुरेशन है इसको भी कर देंगे +26, और इसका जो लुमिनेंस है इसको हम कर देंगे -6, ओके। उसके बाद हम जाएंगे सीधा नेक्स्ट कलर के ऊपर, और जो इसका ह्यू है इसको हम कर देंगे -10, और जो सैचुरेशन है इसको हम कर देंगे -4, और जो लुमिनेंस है इसको हम कर देंगे +58, ओके। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कलर के ऊपर, और हमारा जो नेक्स्ट कलर का ह्यू है इसको हम कर देंगे -100, और जो सैचुरेशन है इसको हम कर देंगे -53 या फिर 54 आप कर सकते हो। उसके बाद जो उसका लुमिनेंस है उसको हम कर देंगे +4, और जाएंगे नेक्स्ट कलर के ऊपर, और इसका जो ह्यू है इसको हम कर देंगे -100, और जो सैचुरेशन है इसको हम कर देंगे +16, ओके। उसके बाद इसका जो लुमिनेंस है इसको हम कर देंगे -8, ओके। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कलर के ऊपर, और इसका जो ह्यू है इसको हम कर देंगे -100, और जो सैचुरेशन है इसको भी कर देंगे -100, और जो लुमिनेंस है इसको कर देंगे -12। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कलर के ऊपर, और इसका जो ह्यू है इसको हम कर देंगे -100, और जो सैचुरेशन इसको कर देंगे -34, ओके। उसके बाद इसका जो लुमिनेंस है इसको कर देंगे 14, ओके। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट कलर के ऊपर, और इसका जो ह्यू है इसको कर देंगे -100, और सैचुरेशन को भी कर देंगे -100, उसके बाद कर देंगे डन। तो गाइस हमारा जो कलर के ऊपर जो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे सीधा इफेक्ट के ऊपर, और इसका जो टेक्सचर है इसको हम कर देंगे +12, उसके बाद इसका जो क्लैरिटी है इसको हम कर देंगे +20, और इसका जो डीएज है +4, और जो विग्नेट है उसको हम कर देंगे -26, ओके। उसके बाद इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम कर देंगे -46, 50 है इसको 46 करना है, ओके। उसके बाद इसका जो फेदर है इसको जो है +60 कर देंगे, यानी 50 है 10 बढ़ा देंगे यहाँ से इसको 60 कर देंगे, ओके। उसके बाद जाएंगे सीधा स्पिल टोन के ऊपर, और इसका जो हाईलाइट है इसको हम कर देंगे 197, और जो सैचुरेशन है उसको हम कर देंगे +4, तो इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, और इसको 197 तक लेके जाएंगे, और सैचुरेशन को कर देंगे +4, बस, ओके। और इसका जो बैलेंस है इसको हम कर देंगे 28, ओके। उसके बाद कर देंगे ऐसे डन, ओके। तो हमारा जो इफेक्ट के ऊपर काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, वो है शार्पनिंग डिटेल, ठीक है। तो इसका जो शार्पनिंग है इसको हम कर देंगे एकदम फुल, यानी 150 कर देंगे, 150 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो रेड्यूस है उसको हम कर देंगे 1.20, और जो डिटेल है इसको हम कर देंगे 35,
ओके, उसके बाद जाएंगे मैस्किंग के ऊपर और मैस्किंग को कर देंगे 20। ओके, और जो नॉइज रिडक्शन है इसको कर देंगे 26, और जो डिटेल है इसको 50 रहने देंगे, और जो कॉन्ट्रास्ट है उसको हम कर देंगे 16, और जो कलर नॉइज रिडक्शन है उसको भी कर देंगे 16, और जो डिटेल और स्मूथनेस है इसको हम दोनों को ही जो है फुल कर देंगे। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एडिटिंग है वो एकदम फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब देखो जब मैं आफ्टर और बिफोर करूँगा तो फोटो पहले कैसा था, ये बिफोर और ये आफ्टर। तो अभी इसको सेव करना है, लेकिन सेव करने से पहले और भी दो फोटो है तो इसका सेटिंग जो है हम कॉपी करेंगे और वो दो फोटो के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जाएंगे सीधा थ्रेड के ऊपर और कॉपी सेटिंग्स और कर देंगे यहाँ पर टिक के ऊपर डन, और जाएंगे नेक्स्ट फोटो के ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जाएंगे फिर से थ्रेड के ऊपर और पेस्ट सेटिंग्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो एडिटिंग हमने किया है उसी को हम इस फोटो के ऊपर भी अप्लाई कर दिया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट फोटो है इसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जाएंगे सीधा थ्री डॉट के ऊपर और पेस्ट सेटिंग्स। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो जो एडिटिंग हमने किया है वो तीनों फोटो के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है, और बहुत ही कमाल का इफेक्ट है विंटेज ब्राउन टोन। इसका प्रीसेट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मैनुअली एडिटिंग इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारा जो हमारा सब्सक्राइबर है वो कहते हैं कि भाई मैनुअली एडिट भी कर, तो हमने मैनुअली एडिट भी कर दिया है। तो गाइज अभी क्या है, अभी इसको सेव करना है, तो शेयर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से सेव टू डिवाइस कर सकते हो, तो आपका फोटो जो है सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो करो, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 या फिर 3 नए नए कॉन्सेप्ट का रिटचिंग का फोटो अपडेट करते रहता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे है उसको भी दबा देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो यार मिलते हैं एक नए और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।